प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी का स्वामी ईश्वरानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। मैं मुकेश सैनी, भूगोल व्याख्याता, आपके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्देशित ऑनलाइन क्लास में अपन भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल पाठ्यक्रम का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज अपन लेते हैं इकाई फर्स्ट। टॉपिक का जो अपना नाम है मानव भूगोल, जिसमें अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भूगोल की दो शाखाएं होती हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं भूगोल की शाखाओं की बात की जाए तो इसकी दो शाखाएं मानी गई हैं। सबसे पहले एक शाखा होती है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा होती है मानव भूगोल। प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। वास्तव में भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम भौतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, अर्थात भौगोलिक घटनाओं, भौगोलिक तथ्यों, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विषय, जिसके अंतर्गत हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। दूसरी शाखा है मानव भूगोल। वास्तव में मानव भूगोल भूगोल की आधारभूत शाखा है, जिसमें मानव और वातावरण के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के विकास की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मानव भूगोल का जो विकास और प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ। समय के साथ जो परिवर्तन हुआ, उसके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल को परिभाषित किया है। देखिए, सबसे पहले जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने मानव भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए हम रेटजेल को मानव भूगोल का
मानव भूगोल का जन्मदाता या मानव भूगोल का पिता कहते हैं। वास्तव में रेडजल ने सबसे पहले मानव भूगोल शब्द का प्रयोग अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी में किया। वास्तव में मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं वो रेडजेल हैं, और रेडजेल ने ही सबसे पहले एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है, या हम कहें कि इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें मानव भूगोल अर्थात मानव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया है। बात करते हैं मानव भूगोल के अर्थ की, बात की जाए तो जैसा कि अभी अपन पढ़ रहे थे, कुछ समय पहले आपने देखा था कि मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, आधारभूत शाखा है, और इसमें प्रकृति और मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। लिविंग स्टोन व रोजर्स, देखिए लिविंग स्टोन व रोजर्स एक विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल के अर्थ को बताते हुए कहा कि मानव भूगोल मानवीय विज्ञानों, जिसमें मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों, मानवीय परिघटनाओं, उनके घटित होने के कारणों, स्थानिक वितरणों, प्रारूपों और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव भूगोल को समय के साथ साथ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए बताया। सबसे पहले जर्मन भूगोलवेता रेडजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है रेडजेल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों
व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जैसा कि अभी अपन देख चुके हैं कि मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से रेडजेल की शिष्या अमेरिकी विद्वान कुमारी शैम्पल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है, उन्होंने मानव और वातावरण के बीच संबंधों को स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव भूगोल चंचल मानव और परिवर्तनशील प्रकृति के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, अर्थात अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है उसे मानव भूगोल बताया है। इसी प्रकार से डिकेन व पिट्स के अनुसार डिकेन और पिट्स ने भी मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बताया कि मानव भूगोल मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट करने वाला विज्ञान है। मानव भूगोल मानव व या मानव के कार्यों को समाविष्ट करने वाला विज्ञान है। डिकेन और पिट्स कहते हैं कि मानव भूगोल मानव के कार्यों को समाविष्ट करने वाला विज्ञान है। देखिए बच्चों, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले मानव समूहों, उनके कार्यों, उनके प्रभावों और उनके स्थानिक वितरणों का अध्ययन मानवीय उद्देश्य के पूर्ति करने वाले क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, हम चर्चा करते हैं मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा को पढ़ने के बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है, व्यापक है, अर्थात जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुछ समय पहले आपने जाना था कि मानव भूगोल में मानव और प्रकृति, या हम कहें कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण घटक, एक भौतिक वातावरण और दूसरा मानव, मानव और वातावरण के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा मानव और वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों के द्वारा निर्मित जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, जो सांस्कृतिक वातावरण बनता है, उन सभी के अध्ययन को हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि देखिए बच्चों, अभी अपन पढ़ रहे थे मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा,
जैसा कि बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा भी आपने देखी रेड जेल के अनुसार कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब मानव और वातावरण के बीच जो पारस्परिक अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन करने वाला विषय है। और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका जो विषय क्षेत्र है वो विस्तृत माना गया है, विस्तृत है। अर्थात मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव और वातावरण के मानव और भौतिक वातावरण के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों के द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव अपनी तकनीकी ज्ञान बुद्धि साधन आदि के द्वारा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों को उपयोग में लेते हुए अपनी अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए वो जिस प्रकार के दृश्यों का निर्माण करता है उन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत अधिवास मानव भवन निर्माण मकान पुल इमारतें विभिन्न प्रकार के सड़क रेल मार्ग बंदरगाह आदि को शामिल किया जाता है और इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। वास्तव में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में अलग क्षेत्र के बारे में अलग अलग विचारकों का मानना है। सबसे पहले भौगोलिक विषय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने बताया कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हंटिंगटन ने बताया कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में दो तथ्यों को शामिल किया जाता है। अर्थात हम बात करते हैं कि मानव भूगोल के विषय जो क्षेत्र है हंटिंगटन के अनुसार इसको दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों पे। सबसे पहला जो वर्ग माना गया है वो है भौतिक दशाएं और दूसरा जो वर्ग माना गया है वो है मानव प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक दशाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वातावरण के द्वारा निर्मित जैसे धरातल जलवायु मृदा उच्चावच खनिज आदि को शामिल किया जाता है, जबकि मानव प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत अर्थात हंटिंगटन ने बताया कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानव प्रतिक्रियाओं में उन तथ्यों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा मानव की इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जिन तथ्यों के द्वारा मानव की इच्छाओं
वह आवश्यकताओं आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अर्थात इसके अंतर्गत भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा मनोरंजन आदि पहलुओं को शामिल किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को मुख्य रूप से 6 पहलुओं में बांटा गया है या 6 बिंदुओं में बांटा गया है। देखते हैं इसको हम एक डायग्राम के द्वारा या एक चार्ट के द्वारा अपन स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मानव भूगोल का विषय क्षेत्र सबसे पहले इसके अंतर्गत शामिल करते हैं किसी प्रदेश की जनसंख्या। दूसरा पहलू इसके अंतर्गत प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन सांस्कृतिक वातावरण मानव व वातावरण का समायोजन दूसरे प्रदेशों से संबंध और अंतिम बिंदु कालिक अनुक्रम। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से 6 बिंदुओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले किसी प्रदेश की जनसंख्या। वास्तव में जनसंख्या के अंतर्गत उस प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले लोगों के महासमूह, उनके जन्मदर, मृत्युदर, लिंगानुपात, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और उनके प्रवास, उत्प्रवास आदि तथ्यों को इसके अंतर्गत रखा गया है। दूसरे पॉइंट जिसमें प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन। वास्तव में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किए जाने वाला यह दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें किसी भौगोलिक इकाई में उस वातावरण में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, खनिज, वनस्पति, वन्यजीव आदि संसाधनों को रखा गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं मानव और वातावरण के मध्य समायोजन। देखिए संसार के, जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों और संसार के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली
भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। वास्तव में इसके अंतर्गत मानव किस प्रकार से वातावरण के साथ समायोजन होकर के अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और अपने क्रियाकलापों को संपन्न करता है। देखिए बच्चों, अब हम अगली क्लास में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के जो अन्य पहलू हैं इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।